वो बच्ची ये तो मुझे लगता है गुजारा है। तुम जाओ यहाँ से और यहाँ जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मर्द के गुनाह पत्थर की तरह होते हैं, पानी में डूब जाते हैं, किसी को नजर नहीं आते, लेकिन औरत के गुनाह फूलों की तरह होते हैं। मैं तो मासूमा से ये कहने आई थी कि तुम घबराओ मत, मैं और कबीर दोनों तुम्हारे साथ हैं। यही तो है मेरे ख्वाबों की तस्वीर शहनवाज, पूरा घर एक साथ हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते। May I have the pleasure of a dance with you? भाई जान कहते हैं धोखा देना गुनाह है, मगर मैं अपने भाई जान को बचाने के लिए कोई भी गुनाह कर सकता हूँ। क्या जमाना आ गया है, बेटा तो कत्ल के मामले में फंसा है और घर वाले पार्टी मना रहे हैं। सुना अपने अब्बू, सुना, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। नाज बेटा, ये लोग नादान हैं, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि जिसने ये खुशियों का मेला सजाया है आज उसकी सजा मुकर्रर होने वाली है। इतना बड़ा जिगर देखा है किसी का जो अपना गम भुलाकर दूसरों में खुशियां बांटता फिरे? नाज पुत्र, शाहनवाज सही कहता है, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो बेटा। ध्यान कैसे ना दो, और वैसे भी ये लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये वक्त भाई की जान बचाने का है, पार्टी मनाने का नहीं। हाँ बेटा, ये तुम्हारी नानी की खुशी के लिए है। खुशी? खुशी माय फुट, पागल हो गई है बुढ़िया, सटिया गई है। नाज़! देख अपनी बहन को, बदतमीज होगी ये लड़की, छोटे बड़े का लिहाज करना भूल गई है ये लड़की। कभी कभी जज्बात के सराब लिहाज खत्म कर देते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी बहन नाज के दिल पे क्या गुजर रही है, मगर नाज ही क्यों, हम सबके दिल खून के आंसू रो रहे हैं, मगर हम बड़े हैं, समझदार हैं, इसलिए कुछ नहीं कहते। मगर नाज, नाज छोटी है, ना समझ है, इसलिए बोल गई। रेडी से माफ कर दे नाज, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं कबीर भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। और जिस भाई की बहन उसे इतना प्यार करती है उसे कभी कुछ हो सकता है?
और मेरे ख्याल से तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो। क्यों? क्या? We're sorry for this. Please enjoy the party. नहीं, आप सब लोग अपने अपने घर जाइए और माफ कर दिए इस पागल बुढ़िया को। माफ कर दीजिए। माफी मांगकर आप मुझे अपना गुनहगार मत बनाइए। आपको पता है आज इस पार्टी से कबीर के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई है वो हम में से कोई भी नहीं दे पाया, और आज आपकी वजह से सारे घर वालों ने खुशी के लम्हे साथ में बिताए। नहीं बेटा, आज मेरी इस भूलने की बीमारी ने पूरे घर को परेशान कर दिया है। मैं तुम सबकी गुनहगार हूं। मेरे नवासे कबीर की जिंदगी दांव पे लगी है और मैं खुशियां मना रही हूँ। कितनी खुदगर्ज हूँ मैं। नहीं नानी, ऐसा मत कहिए। मैं हूँ खुदगर्ज। नानी ये क्या, इतनी खुशियां देने के बाद अब आप हम सबको रुलाना चाहती हैं क्या? आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए जल्दी से चुप हो जाइए वरना नानू नाराज हो जाएंगे। आपकी कसम नानी, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, और आज इस पार्टी की वजह से सबके चेहरे पर खुशी नजर आई। तो इतना अच्छा क्यों है कबीर? क्योंकि मेरी नानी इतनी अच्छी है। ये लीजिए, माफी ना हो। माफी ना मा? पर ये आपने कैसे हासिल किया? इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बहुत फर्क पड़ता है। जवाब दो हजार, तुमने ये माफीनामा कैसे हासिल किया? जिस औरत ने आफरीन की बात नहीं सुनी वो तुम्हारी बात से कैसे राजी हो गई? हर काम को करने के कई तरीके होते हैं भाईजान, मैंने अपना तरीका आजमाया और कामयाब हुआ। और क्या मैं जान सकता हूँ आपका ये तरीका क्या था? तरीका कुछ भी हो भाईजान, आपकी जिंदगी तो बच गई। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जो एक मजलूम औरत को फरेब देकर मिले। तुमने आज मुझे जलील कर दिया आजान, नाकाम हो गया मैं तुम्हारी शख्सियत बदलने में। बस भाईजान बस। इन किताबी बातों से जिंदगी की तलख हकीकतें नहीं बदलती, पर हकीकत क्या है हमें आपकी जरूरत है। आपको बचाने के लिए जो तरीका मुझे मुनासिब लगा वो मैंने किया। तो फिर मेरी भी क्या जरूरत है, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे यकीन है इस नाइंसाफी और बेईमानी में तुम अजान का साथ नहीं दोगी। I believe, आप भाईजान की तरह बेकार जज्बात का इजहार नहीं करेंगे। याद रखिए, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, और मुझे इस जंग में आपका साथ चाहिए। चुछ।
क्या करूं, किसका साथ दूं? अगर रजान का कहना मानती हूं तो कबीर की जान बचती है, और अगर कबीर का कहना मानूं तो उन्हें सुकून मिलता है। सुकून तो मिलेगा मगर कब्र में। ये वक्त फालतू के असूल और जज्बात का नहीं है, अकल से काम लेने का है। और अकलमंदी इसी में है कि तुम कबीर की जान बचा लो, फिर चाहे उसके लिए झूठ और फरेब का सहारा क्यों ना लेना पड़े। नहीं आफरीन, तुम इसके बहकावे में मत आना। तुमने आज तक सच का साथ दिया है और आज भी तुम सच का ही साथ दोगी। सच क्या मिला है तुम्हें आज तक सच का साथ देकर? वही ना, तकलीफें, गम और आंसू? नहीं, जहनी सुकून, रूहानी खुशी और कबीर का साथ। और तुम्हारे फसूल फैसले पर चलकर उसी कबीर का साथ छूट जाए, क्या तुम यही चाहती आफरीन? नहीं आफरीन, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर बार की तरह इस बार भी अल्लाह तुम्हारे ही साथ देगा। तो क्या आप अल्लाह कर अदालत में गवाही देंगे कि कबीर ने नहीं, मासूमा ने मारे शबीर चाचा को? आफरीन, अल्लाह खुद कभी नहीं आता, वो तो जरिए बनाता है। काबा की हिफाजत के लिए भी वो खुद नहीं आया था, आबा बीने आई थी। इस माफीनामे का इस्तेमाल मत करना, ये फरेब से पाया गया है। इसमें फरेब की क्या बात है? अजान ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। ये बेईमानी है आफरीन, और तुम्हें ईमान के रास्ते पर चलना है, और ईमान से बढ़कर और कुछ भी नहीं। बकवास, शौहर से ज्यादा और कुछ भी नहीं। अरे जब शौहर ही नहीं रहेगा तो इस ईमान का क्या करोगी? आफरीन ईमान, शौहर ईमान, आफरीन शौहर से ज्यादा और कुछ भी नहीं। आफरीन ईमान ही सब कुछ है। शौहर शौहर शौहर, आफरीन तुम अपना ईमान नहीं भूल सकती। आफरीन शौहर से ज्यादा और कुछ भी नहीं, आफरीन ईमान। बस करो तुम दोनों, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मेरे कबीर की जिंदगी मेरे ईमान से बढ़कर है, और उन्हें बचाने के लिए मैं वही करूंगी जो मुनासिब है। मुझे बेहद अफसोस है। अब अफसोस के सिवा बाकी ही क्या है? ऐसा ना कहें, अभी तो आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी बची है। हाँ, और ये बची कुछ जिंदगी मैं उनके कातिल को सजा दिलाने के लिए सर्व कर दूंगी, ये मैंने कसम खाई है। नहीं, इतना वक्त नहीं लगेगा, मैंने भी कसम खाई है कि उनकी मौत की सजा मैं भुगत कर रहूंगा। आप? कबीर खान। तुम कबीर खान हो? जी। आपके शौहर का कातिल। बदसात कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तलाफी के लिए हिम्मत की नहीं, हौसले की जरूरत पड़ती है, और मुझमें वो हौसला है कि मैं मरहूम शबीर साहब के कत्ल के आवाज मौत को गले लगा लूंगा। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से, वरना कानून तुम्हें बाद में और मैं पहले सजा दूंगी। तो दीजिए ना। मेरी बद्दुआ, मेरी आह तुम्हारे सारे खानदान को लगेगी, ना तुम्हें मर के सुकून मिलेगा और ना उन्हें जी के। नहीं प्लीज, खुदा के वास्ते मेरे घर वालों को बद्दुआ ना दे। आपका गुनहगार मैं हूँ, वो नहीं। मैं नहीं जानती कि तुमने उन्हें क्यों मारा, लेकिन उनकी मौत ने जो तकलीफ, जो दर्द मुझे दिया है, वही तकलीफ तुम्हारे खानदान को मिलेगी। ऐसा मत कहिए, वापस ले लीजिए अपने अल्फाज। दुआ या बददुआ तो दिल से निकलती है, जो वापस नहीं ली जा सकती, और जो जख्म तूने मुझे दिया है उससे सिर्फ बददुआ ही निकलती है। ये याद रखना कबीर खान, मेरी बददुआ जिंदगी भर तेरा पीछा करेगी।
भाईजान कहाँ है? आपको पता है भाईजान कहाँ है? क्या हो गया आप सबको? और आप अभी तक रेडी नहीं हुई? हमें कोर्ट जल्दी पहुंचना है। जी मैं अभी आई। कमाल है, यहाँ सब लोग ऐसे रिलैक्स बैठे हैं जैसे कोर्ट ही पार्टी में जाना हो। भाईजान क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। तो फिर चलें? हाँ चलो। आफिन कहाँ है? मुझे उससे एक मिनट बात करनी है। अपने रूम में। मैं भी आता हूँ। पता नहीं क्या होगा आज। आफरीन एक बात याद रखना, एक टूटे हुए दिल की आम है बहुत असर होता है। पहले ही मैं समीरा बी की बदुआओं का शिकार हूं, उसमें और इजाफा मत करना प्लीज। मेरे जिस्म को बचाने के लिए मेरी रूह का गला मत घोट देना। मैं एक फरेब की जिंदगी नहीं जी पाऊंगा आफरीन। पल पल मरूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा नहीं होने दोगी। आफरीन आफरीन मेरी बच्ची रो मत। आंसू कमजोर अकीदे की दलील है बेटे। मुझे यकीन है कबीर कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसे यकीनन किसी ने साजिश इस मामले में फंसाया होगा बेटे। किसी और ने नहीं अबू, किसी और की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ये इल्जाम खुद अपने सर पे लिया है। क्या? किसकी इज्जत बेटे? माफ कीजिए अबू, वो मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने कबीर से वादा किया है। हाँ बेटे मुझे तुम पर फख्र है, मगर फिर ये आंसू क्यों? सब्र करो बेटे सब्र। कलामे पाक में अल्लाह ने फरमाया है इन्नल्लाह मा साबरीन। सब्र करने वालों का साथ अल्लाह हमेशा देता है बेटे। जी अब्बू। और तुम देखना कबीर जरूर इस इल्जाम से बेदाग भरी हो जाएगा। बेगुनाह और सच्चे इंसान का मुहाफिज खुद अल्लाह है। हाँ अब्बू मुझे भी अल्लाह पे पूरा यकीन है। तो इस यकीन को और मजबूत करो बेटे और सच की पैरवी में जी जान एक कर दो। तुम्हारी अम्मी और मैं बस आई रहे। नहीं अबू, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बेटी इस मरहले को हल कर देगी। आपने उस लायक बनाया है उसे। बस आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरी सारी कोशिशें कामयाब हो। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ये क्या आपने फोन रख दिया? मेरी बात तक नहीं कराई? हमारी बच्ची इस हालत में नहीं थी कि किसी से भी बहुत देर तक बात कर सके। चलिए जल्दी चलिए उससे मिलने। इस मुश्किल के वक्त हमें देखकर उसे तसल्ली और ढारस मिलेगी। चाहता तो मैं यही था बेगम, मगर मगर उसने मना कर दिया। शायद अच्छा ही किया उसने। क्या क्या मतलब है इसका? बेगम हम जिस मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। आपने आफरीन से हमारी मुश्किलों का जिक्र किया? बाप हूं मैं आफरीन का, कोई दुश्मन तो नहीं। अल्लाह जाने वो इन हालात का अकेले कैसे सामना कर रही होगी। हमें अपनी लड़ाई लड़नी है और उसे उसकी लड़ाई लड़ने दो। लेकिन मेरी बच्ची इस वक्त अकेली है। वो अकेली कहाँ है बेगम? अल्लाह है ना उसके साथ। और फिर हमारी दुआएं भी तो हैं। अगर कुछ करना ही है तो दुआ करो, सिर्फ दुआ कि कबीर जल्द से जल्द उस मुश्किल से बाहर आ जाए। बेगम कबीर इंसान नहीं फरिश्ता है।
चलिए सब लोग जल्दी चलिए, कोर्ट के लिए देर हो जाएगी। लाइए फाइल मुझे दीजिए। इस फाइल से कबीर की जिंदगी वापसता है। मैं चाहती हूँ दरगाह जाकर दुआ कर लूं और ये फाइल भी उस पाक जगह से होकर आए। ओके, पर जल्दी आइएगा। आइए। दरवाजे बंद कर ले, किसी को आने मत देना। पर हुआ क्या? दरवाजा बंद करने से तूफानों को नहीं रोका जा सकता। वो खिड़की से अंदर आ जाए।